सोलन के समीप मरियो गांव में एक तेज रफ्तार कार करीबन 250 मीटर खाई में गिर गई। खाई में गिरने से दो युवकों की मौत मौके पर हो गई। दोनों युवक राजगढ़ के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों युवक चंडीगढ़ से गाड़ी खरीद कर लाए थे और उसमें ही सवार होकर अपने घर जा रहे थे कि अचानक मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार गहरी खाई में गिर गई। सोलन के समीप मरियो गांव में एक तेज रफ्तार कार 250 मीटर खाई में गिर गई। खाई में गिरने से दो युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। दोनों युवक राजगढ़ के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों युवक चंडीगढ़ से गाड़ी खरीद कर लाए थे और उसमें ही सवार होकर अपने घर जा रहे थे कि अचानक मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कार गहरी खाई में गिर गई। अधिक जानकारी देते हुए मृतक के रिश्तेदार और गांव के उप प्रधान ने बताया कि उनके गांव में कुछ समय से बीते ही युवकों की दुर्घटना में ये चौथी मौत है, जिसकी वजह से सारे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। उन्होंने बताया कि मृतक भूपेंद्र और अरविंद चंडीगढ़ से अपने गांव जा रहे थे तो उन्हें सूचना मिली कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वे तुरंत मौके पर पहुंचे तो पाया कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। मायके में मेरे गाँव से चार नौजवान 4 साल के अंदर अंदर गाड़ी खरीदने आए थे, दोनों भतीजे और वापिस जा रहे थे गाड़ी लेके, पर मरियो के पास मुझे तो कॉल आया। मुझे तो पूरी डिटेल का भी पता ही नहीं कि भी क्या हुआ कैसे हुआ। मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ और आप हॉस्पिटल जाओ और पता करो कि भी ठीक है कि नहीं है। पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला मेरे सारे मायके वाले यहाँ पे। मेरा नाम तरवीर सिंह है, ग्राम पंचायत चौकटा उप प्रधान। और जो ये आज इस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, ये मेरे गांव के दोनों नौजवान हैं। एक का नाम अरविंदर सुनब श्री खेमराम और दूसरे का नाम भूपेंद्र सुनब श्री राजेंद्र कंडा। ये बहुत ही कम उम्र में इनके साथ इस तरह की घटना घटी है, तो इसके संघर्ष में हम ये वहाँ पे मरयोग में स्कूल है बाल भारती स्कूल के पास, सोलन से राजगढ़ की तरफ ही आ रहे थे और वहाँ हमें जब पता चला तो अचानक ही कोई ऐसी घटना घटी है।